नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हम मल्टीसिम में बना रहे हैं। यहाँ हम कंपोनेंट टूल से कंपोनेंट हम सिलेक्ट करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। ये हम ओपैम लेंगे 741। ओपैम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम 741 लेंगे। यहाँ पे हम कंपोनेंट से ढूंढ के यहाँ पे लगाते हैं तो ये ओके कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है। दोबारा ओके नहीं करना होता। अगर दोबारा कंपोनेंट लेना है तो फिर ओके करना होता है, नहीं तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज किया तो दोबारा वो कंपोनेंट नहीं आता। तो पहले हम सारे कंपोनेंट ले लेते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं एक, और दो रजिस्टर भी लेंगे। जो जो कंपोनेंट की हमें ज़रूरत है पहले हम सारे ले लेते हैं और फिर उनको कनेक्ट करेंगे। यहाँ हम रजिस्टर ले लेते हैं, दो रजिस्टर लेंगे R1 R2 के लिए। इसकी वैल्यू जितनी वैल्यू का हमने लेना होता है उतनी वैल्यू सिलेक्ट करके हम ले सकते हैं। बाद में वैल्यू इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये दो रजिस्टर हमने ले लिए हैं, अब इसको क्लोज करेंगे। तीसरा नहीं लेना है तो अगर क्लोज नहीं करते तो तीसरा भी आ जाता है। जितनी हमें ज़रूरत है उतने कंपोनेंट हमने पहले यहाँ ले लिए हैं। अब एक हम यहाँ से राइट साइड में जो है सिंबल से हैं, जो ब्रेक ब्रेक से राइट साइड में, वहाँ से फंक्शन जनरेटर लेंगे। वो देखो हाईलाइट हो गया ना, फंक्शन जनरेटर लेंगे। यहाँ हमने फंक्शन जनरेटर लिया और यहाँ पे रख दिया। अब एक हमें जिस पे हम आउटपुट देखेंगे उसके लिए हमें ऑसिलोस्कोप चाहिए। ऑसिलोस्कोप ले लिया हमने। अब हम हमारे पास कंपोनेंट सारे पूरे हो गए। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। जो फंक्शन जनरेटर है इससे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट देते हैं मतलब पॉजिटिव को ओपैम के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फंक्शन जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल ओपैम का पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल को हो या पिंस को हो, जो भी आप कह सकते हो, मैं तो टर्मिनल ही कहता हूँ। और जो कॉमन है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। जो फंक्शन जनरेटर की कॉमन है उसको ओपैम के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, नेगेटिव मतलब पिन से जोड़ेंगे। और ये ग्राउंड हम यहाँ लगा देंगे कॉमन वायर के साथ, क्योंकि यहाँ मैंने रजिस्टर लगानी है R1, एक रजिस्टर लगानी है हमने यहाँ, तो साथ में हम ग्राउंड भी लगाएंगे। अब हम ले लेते हैं BCC। BCC ये ओपैम के लिए होता है, IC के लिए, IC को सप्लाई देने के लिए BCC ले लेते हैं। BCC हमने कनेक्ट कर दी। अब एक BDD लेंगे, ये नीचे ओपन के जो नीचे पिन है उसमें BDD कनेक्ट करेंगे। इसको 90 डिग्री से रोटेट करके सीधा कर लेंगे ताकि जो वायर सही ढंग से लगे। ये राइट क्लिक करके आती हैं सारी ऑप्शन हमारे पास। उस कंपोनेंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके 90 डिग्री पे क्लॉक वाइज हमने जैसे रोटेट करना है। अब ये हमने R1 भी यहाँ सीधी कनेक्ट कर दी है। वायर के ऊपर रख दो, ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है, क्लिक कर दो। ये नहीं कि एक एक सिरा और दूसरे सिरा वायर का कनेक्ट करें, सीधी वायर के ऊपर ही रख दो, ये कनेक्ट हो जाती है अपने आप ही। और ये फीडबैक रजिस्टर हमने R2 है, फीडबैक रजिस्टर लगाई है। फीडबैक मतलब जो आउटपुट आ रही है उसको इस पे नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा है, कनेक्ट किया है। फीडबैक रजिस्टर है ये, फीडबैक लगाते हैं इसको हम। और अब हम रजिस्टर की वैल्यू सेट करते हैं। एक की हम 9 ले लेंगे और एक की 3 ले लेंगे। जो भी आपने लेनी है 3 लो, 6 लो, 8 लो, 9 लो, जो भी आपका
मतलब अपना हिसाब है, अपने हिसाब से इसकी वैल्यू सेट कर लो रजिस्टर की। कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक करो, ये क्लिक करो और ये आ जाता है जहाँ पे हमने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वैल्यू भरनी है, चेंज हो जाती है वैल्यू। और अब हमने सारे कंपोनेंट फंक्शन जनरेटर ओ पी एम सब जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम ऑसिलोस्कोप रह गया हमारे पास, अब इसको कनेक्ट करेंगे, ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करेंगे हम। इसमें दो चैनल हैं, ए बी, ए ए चैनल, ए चैनल का पॉजिटिव है हमारे पास, पॉजिटिव को हम फंक्शन जनरेटर की पॉजिटिव वायर से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, और ऑसिलोस्कोप के नेगेटिव को कॉमन से, फंक्शन जनरेटर की कॉमन वायर से कनेक्ट करेंगे। मतलब फंक्शन जनरेटर की पॉजिटिव को ऑसिलोस्कोप के चैनल ए के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और जो फंक्शन जनरेटर की कॉमन है उसको चैनल ए के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को कॉमन से कनेक्ट करेंगे, फंक्शन जनरेटर की कॉमन से नेगेटिव को, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ये हमने कर दिया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कॉमन है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम कॉमन से जोड़ लेते हैं। चैनल जो बी है, बी आउटपुट के लिए, ये ए चैनल हमने इनपुट के लिए लिया है, जो चैनल हमारा बी है वो आउटपुट के लिए है, तो उस चैनल बी की पॉजिटिव को हम यहाँ आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, और जो है नेगेटिव है उसको कॉमन से कनेक्ट कर देंगे, कॉमन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सिग्नल लेंगे कौन सा हमें चाहिए, तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी भरेंगे, 100 ले लेते हैं, 100 हर्ट्ज़, और फंक्शन जनरेटर के ऊपर क्लिक करते हैं हम ऊपर कर्सर से, तो ये हमारे पास खुलता है। तो वहाँ हम पीक वैल्यू वोल्टेज भरी हमने, अब हमने रन किया, ऊपर रन बटन है ग्रीन कलर का, तो उस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये रन हो गया है प्रोग्राम। तो फंक्शन जनरेटर पे क्लिक करते हैं, इस पर सॉरी ऑसिलोस्कोप के कनेक्ट क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ग्राफ, ये वेव आ जाती है हमारे पास। ये देखिए जो रेड कलर की है इनपुट है हमारे पास। अब हमें ये नहीं पता, इस अच्छी तरह देखने के लिए हमें इसमें कलर चेंज करना है, जो आउटपुट है उसका कलर अलग हो और जो दूसरा है उसका हो। तो ये हमारा राइट क्लिक करके वायर पे ये कलर सेगमेंट कलर खुल गया हमारे पास, इस यहाँ कलर कोई भी सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे, और ये देखिए आउटपुट का कलर हमारे पास ग्रीन आ गया, ग्रीन कलर आ गया हमारे पास, ग्रीन पैरट सा है, ग्रीन कलर है। अब हमें पता चल रहा है कि जो रेड कलर है इनपुट की है और जो जो है हमारे पास आउटपुट है वो ग्रीन कलर की है, पीक वैल्यू है। ये नॉन इन्वर्टिंग हमारा प्रोग्राम है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमने बनाया सर्किट। और यहाँ नीचे स्केल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, ए चैनल का स्केल है, बी चैनल का स्केल है, जैसा आपको साफ साफ अच्छा लगे, साफ दिखे, तो उसके हिसाब से स्केलिंग 1 वोल्ट, 5 वोल्ट जितनी भी करनी है कर लीजिए। थैंक यू।